नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आपकी तैयारी के क्रम में हमने पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया, अगर आप चाहें तो उसका मेंबर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देना, ताकि हम आने वाले वीडियो में और बेहतर कर सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। आदरणीय महोदय, बच्चों और विकलांगों की सेवा करने वालों का सम्मान करने के लिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पुरस्कार जीतने वालों को उनकी निस्वार्थ सेवा और लगन से बच्चों और विकलांगों के कल्याण के प्रति की गई कोशिशों के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लाखों बच्चे और विकलांग हैं, समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न ही काफ़ी नहीं होंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि पूरे समाज को देश की कोशिशों में पूरा भाग लेना चाहिए। यह दान के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बच्चे अपनी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निष्ठापूर्वक किए जा रहे काम की सराहना करनी होगी। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश बच्चों के कल्याण में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। वास्तव में उनके कल्याण की जिम्मेदारी को हमारे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भारत उन थोड़े से देशों में से है जिन्होंने बच्चों के लिए समुचित राष्ट्रीय नीति अपनाई है। राष्ट्रीय नीति यह घोषणा करती है कि बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा हैं, जिनका पालन पोषण और विकास की जिम्मेदारी है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की सेहत, पौष्टिक खुराक, शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास संबंधी सेवाओं के दायरे का विस्तार करते रहना है। ऐसी नीति बच्चों के गर्भावस्था तथा जन्मोपरांत के समय में पर्याप्त पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करके बच्चों की को विकलांग होने से बचाने में सहायता करता है। स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों की सहायता के लिए जो काम कर रही हैं वह सराहनीय तो है, परंतु आमतौर पर यह देखा गया है कि उनका कार्य क्षेत्र कुछ बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों तक सीमित होता है और अधिकतर ग्रामीण जनता तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाती है। यह आश्चर्य की बात है कि विकलांगों की समस्याएं उनकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पैदा नहीं होती, जितनी विकलांगों के प्रति समाज के रवैये से होती है। उनकी मानसिक या शारीरिक कमी से कहीं ज़्यादा उनके प्रति पक्षपात की भावना उन्हें साधारण जीवन जीने में बाधा डालती है। इसलिए समाज और जाति द्वारा विकलांगता के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में पहला कदम यह है कि परिवार में विकलांगों को सामाजिक और भावनात्मक स्नेह प्राप्त हो। मुझे आशा है कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के इन वर्गों की शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक पक्षपातों को समाप्त करने के लिए भी काम कर रही हैं। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं इस सराहनीय काम में लगी हुई हैं और हमारे बच्चों और विकलांग भाइयों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना का जीता जागता उदाहरण है। आदरणीय महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरे लोगों को भी उनका अनुकरण करने की प्रेरणा देंगे तथा हमारे और अधिक देशवासी बच्चों और विकलांगों की सहायता के लिए आएंगे। बच्चों तथा विकलांगों और अपंगों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वास्तव में खुद माँ बाप के कंधों पर होती है, परंतु कभी कभी और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि माँ बाप अपने फर्ज को नहीं समझते और अपने बच्चों की उपेक्षा करती हैं। तो ऐसा गलत काम करने वालों को सजा देने का कोई कानून नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि हमें समाज में ऐसी नैतिक शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उचित व्यवहार करें। अगर माँ बाप ही अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देंगे तो बच्चों को माता पिता का प्यार कहाँ से मिलेगा। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की कोशिशों का महत्व तो माता पिता के कर्तव्य के बाद आता है।
और केवल बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के प्रयत्नों में माता पिता की सहायता मात्र होता है। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नई लगन तथा साथ बच्चों और विकलांगों के कल्याण के काम में लग जाएं। मैं समाज कल्याण मंत्री को मुझे इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रायः कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य के बिना हर चीज़ बेकार है। जब तक लोगों के स्वास्थ्य के दर्जे में सुधार ना हो, तब तक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता और ना ही आत्मिक विकास ही संभव है। इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं और इनमें पीने का शुद्ध जल, सफाई, पौष्टिक आहार और मकान की सुविधाएं मुहैया कराना भी शामिल है। कुछ एक मुख्य क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार ने संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भी अपनाया है। चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में खास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस जैसे संस्थान लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों की बहुत मदद कर सकते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले तपेदिक के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इस बीमारी को शामिल किया है और वह इस पर काबू पाने के लिए कई उपाय कर रही है, क्योंकि यह बीमारी दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों के अधिक नज़दीक है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को तपेदिक पर काबू पाने और इसे खत्म करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इमारत तैयार हो जाने पर यह प्रतिष्ठान ज़रूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सकेगा और उन लोगों की सेवा कर सकेगा जो यहां सहायता और राहत के लिए आएंगे। महोदय, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है, उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निस्संदेह यह आशंका सही लगती है। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है, उतनी और कहीं नहीं हुई है। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम हैं। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है भारत पर हमला करना चाहे, तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत कम सुरक्षित हैं। हो सकता है कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सकें, क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, ताकत और एकता है, जो देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने प्रायः कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंततः आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व नहीं है, बल्कि लोगों की एकता की भावना का, हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। यदि मुझे भारत पर भरोसा है, तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपनी लोगों की एकता और हिम्मत पर है। यदि यही कमज़ोर है, तो फिर चाहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज झोंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो, तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हर एक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हर एक हथियार पुराना लगेगा। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह
पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है। सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किस चीज़ में होती है? हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। किताब का 150 की स्पीड से था, अगर एक बारी में छूटता है तो दो बारी तीन बारी प्रैक्टिस करेंगे, जरूर लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।